पबजी में के अंदर अगर आप टीडीएम खेलते हो और आपका बंदा अचानक से स्लो मूवमेंट करने लगता है, या फिर आप लोग किसी के साथ रूम खेलते हो, किसी को चैलेंज करते हो और तब भी आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मूवमेंट स्लो करने लगता है, बंदा आपको मार के चले जाता है और आप मैच नहीं जीत पाते, तो भाई अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मूवमेंट ग्लिच हो रही है ठीक है टीडीएम के अंदर, तो इसकी ना परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इस वीडियो के अंदर आपको पूरे ध्यान से देखना होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। ये देखते हैं मलाया। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल यार। तो भाई देखो बीजीएमआई जब से आया ना तब से भाई एक से एक ग्लिच यहाँ पे आ रहे हैं, बट यहाँ पे सबसे तगड़ा और सबसे बड़ा जो ग्लिच है वो यहाँ पे है भाई टीडीएम कैरेक्टर स्लो मोमेंट ग्लिच। ठीक है, ये ग्लिच ना भाई इतना ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है कि भाई देखो हर मैच के अंदर ये सभी का, एंड्रॉयड वालों का और यहाँ पे भाई आईओएस वालों का, सभी का ग्लिच हो रहा है। जब भी आप किसी को रूम में यहाँ पे चैलेंज करते हो, M24 से खेलते हो, AM4 से खेलते हो, या फिर आप लोग रैंडमली एक टीडीएम लगाते हो, तो भाई आपका ना बंदा ऐसे ग्लिच हो जाता है और सामने वाला बंदा आपको मार के भाग जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका भी टीडीएम यहाँ पे टीडीएम के अंदर कैरेक्टर स्लो हो जाता है अचानक से, और भाई इसको कैसे फिक्स करना है परमानेंटली तरीके से, ठीक है परमानेंट बताने वाला हूँ, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से करना। दो स्टेप बताने वाला हूँ ठीक है, टिप्स बताने वाला हूँ, दो आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है उससे आपका ये यहाँ पे कैरेक्टर स्लो नहीं होगा, और आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको ना यूज करने के बाद आपका कभी भी टीडीएम के अंदर कोई भी यहाँ पे भाई ग्लिच वगैरह नहीं आएगा। तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, बेल आइकन कॉल पर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब तो करते हैं बट बंदे बेल आइकन कॉल पर करना भूल जाते हैं। मैं आपकी लिए वीडियो वगैरह लाता रहूँगा बीजेपी की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 1 के बारे में, जिससे आपको ये करने से बचना है, इससे ये कैरेक्टर स्लो मोमेंट ग्लिच होता है। देखो जब भी आप किसी बंदे को टीडीएम के अंदर रूम के अंदर मारोगे तो उसकी ना आपको कोई भी गन नहीं उठानी है, ठीक है आप भले ही यहाँ पे एमओ उठा सकते हो उसकी, बट यहाँ पे आपको गन नहीं उठानी है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसी से ही ये बंदे की गन उठाने से या फिर कोई भाई उसको छेड़छाड़ने से यहाँ पे ग्लिच होता है। देखो यहाँ पे ये पड़ा है ठीक है, आपको इसको गन को छोड़ करके एमओ उठा लेनी है, आपको इसकी यहाँ पे भाई गन नहीं उठानी है, इससे ये ग्लिच होता है ठीक है, आपको ऐसा करने से बचना है वरना आपको स्लो होगा। तो भाई अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में। देखो सबसे पहले आपको बता दो, अगर आपका किसी भी मैच के अंदर ये हो जाता है तो आपको डाटा का यहाँ पे और या फिर वाईफाई से खेल लो इसका आपको बंद कर देना है ठीक है, आपको डाटा बंद कर देना है और आपको सेटिंग में जाना है, गेम एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद दोबारा से ही जब भी आप लॉबी के अंदर आ जाओगे आपको दोबारा से यहाँ पे अपना डाटा ऑन कर देना है, और डाटा ऑन करने के बाद ना आपका गेम एग्जिट नहीं होगा वो ठीक है, चाहे रूम खेल ले हो चाहे आप लोग टीडीएम खेल ले हो, यहाँ रिजॉइन मैच का ऑप्शन आ जाएगा अपने आप ही, आपको ओके कर देना है और आपका ना मैच जैसा तैसा चल रहा होगा ना वो वैसा ही मैच आ जाएगा, बट यहाँ पे आपका जो स्लो कैरेक्टर होगा यहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिजॉइन कर लिया है, बट यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर स्लो था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है ठीक है। और अब बात करते हैं सेटिंग के बारे में, जो सेटिंग नंबर 1 होनी है, तो सबसे पहले आपको अपने बीजीएमआई के अकाउंट में आ जाना है और सेटिंग पे आना है और आपको लॉग आउट कर देना है ठीक है, अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद ना आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, देखो ये सभी को करना है क्योंकि भाई ये करने के बाद ना सारे ग्लिच फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, हेल्प लैंग्वेज रिपेयर, आपको रिपेयर पे आना है और यहाँ पर रूटीन रिपेयर वाला सिलेक्ट कर लेना है ऊपर वाला ठीक है, रूटीन रिपेयर सिलेक्ट कर लेना, बाकी और कुछ नहीं करना है। और अगर आपका टीडीएम के अंदर ये ग्लिच हो रहा है तो आपको अरेना वेयर हाउस ये सिलेक्ट कर लेना है ठीक है, अरेना वेयर सिलेक्ट कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये दो चीज़ सिलेक्ट करनी है, इसको आपको ओके करना है। आपके सामने एक 8 MB का यहाँ पे अपडेट आएगा, इसको ऑन कर देना, आपकी सेटिंग कोई भी नहीं होगा, ये आपका फिक्स हो जाएगा। तो बात करते हैं सेटिंग नंबर 2 के बारे में ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बीजीएमआई की सेटिंग में जाना है, कंट्रोल्स पे जाना है और एडवांस कंट्रोल पे आ जाना है, आपको नीचे जाना है ठीक है। देखो ये गलती बहुत ज़्यादा बंदे करते हैं, ये आपको नहीं करनी है। आपको एक सेंसिटिविटी मिलेगी जिसका नाम होगा स्प्रिंट सेंसिटिविटी ठीक है, ये यहाँ पे जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी होती है, मूवमेंट की होती है, काफ़ी बंदे इसको 0 करके रखते हैं, आपको इस गलती से बचना है ठीक है, आपको कभी भी 0 नहीं करनी है और कभी भी ना ही इसको फुल करना है, काफ़ी
इसको 100 भी रख सकते हो, ठीक है, नहीं करना है आपको 100, नहीं करना है आपको, या तो इसको भाई 95 रखना है, या फिर 80 रखना है, या फिर आपको 50 रखना है, ठीक है, या फिर आप लोग 70 रख सकते हो, बट आपको यहाँ पे 100 नहीं रखनी है, 100 नहीं रखनी है, और ना इसको 0 रखनी है, ठीक है, आपको 50 से लेके 95 यानी कि 95 के बीच इसको रखनी है। आप लोग ये गलती नहीं करना कि भाई काफ़ी बंदे या तो फुल रखते हो या फिर इसको टकती डाउन रखते हो, तो भाई इसको डाउन नहीं करना है, 90 के आसपास इसको रख सकते हो। एंड अब बात करते हैं अपनी दूसरी सेटिंग के बारे में, जो कि सेंसिटिविटी आपको बताने वाला हूँ, जो कि कैरेक्टर की होने वाले हैं, इससे आपका कैरेक्टर स्लो नहीं होगा, आपको सेंसिटिविटी पे आ जाना है, ठीक है, आपको कैमरा सेंसिटिविटी पे आना है, थर्ड पर्सन नो स्कोप आपको, अगर आप यहाँ पर कम रखते हो तो भाई 100 से लेकर के आपको 25 तक ही रखना है, यानी कि 100 से 125 रखना है, इससे आपको नहीं जाना है ऊपर। और जो यहाँ पे ADS सेंसिटिविटी होती है, ये आपको 100 से लेकर के 120 ही रखना है, ठीक है, काफ़ी बंदे इसको डाउन रखते हो, ठीक है, हेडशॉट मारने के लिए या फिर भाई एम अच्छा करने के लिए, बट अगर आपका होता है बार बार की स्लो मोमेंट, तो भाई 100 से लेकर 120 रखते हो। और जो बेस्ट मोमेंट होती है वो है यहाँ पे कैरेक्टर व्हीकल सेंसिटिविटी, ठीक है, ये कैरेक्टर के लिए ही होती है, काफ़ी बंदे उसको डाउन करके रखते हैं, आपको इसको ना 100 से लेकर के, ठीक है, 100 से लेकर के यहाँ पे भाई 135 या फिर 30 तक रख सकते हो, ठीक है, बस एक आपको 135 नहीं जाना है, अगर आपके पास अच्छे डिवाइस है बस 130 से आपको ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फुल यहाँ पे कैरेक्टर की और व्हीकल्स की सेंसिटिविटी होती है, इससे आपका कैरेक्टर मूवमेंट वगैरह अच्छी तरह से करता है। देखो भाई, अगर आपका भी TDM कैरेक्टर स्लो मूवमेंट होता है, तो भाई इसको फिक्स करने के लिए मैंने 2 टिप्स बता दिए और 3 सेटिंग बता दिए आपको, जो मैंने बताया आपको सेम ऐसे ही करना है, टिप्स जो करना बताइए उसको फॉलो करना है, आपका कभी भी कैरेक्टर सोलो मोमेंट ग्लिच नहीं होगा, आप चाहे रूम खेलते हो चाहे आप लोग यहाँ पे रैंडमली TDM वगैरह खेलते हो। तो यार वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना, अपने भाई का चैनल करना सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब लोगों ने ख्याल रखना, लव यू और सब्सक्राइब भी कर देना। बुझा के बस ट्रिप लैंड।